नाम सामने आया ना, तब से हमारे परिवार की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई हो। शायद वक्त करवट ले रहा है विकास। तुम दोनों के मोबाइल पर जिस प्राइवेट नंबर से फोन आता था वो गलत नाम और पते पर लिया गया था। क्या? अब वो मोबाइल बंद है, इसलिए अब तुम दोनों को सोचना होगा। आप लोगों से वैसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरे भाई अनिकेत ने मेरे सगे भाई अनिकेत ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, मेरे जीते जी ये उस घर की बहू नहीं बन सकती। And I mean it, I really mean it. चलिए यहाँ से, इस शहर में ना तृप्ति सुकून से रह पाएगी और ना आप, यहाँ से चले जाना ही ठीक है। किस तरह के जाल में फंस गई हूं मैं? कौन है जिसने इस जाल का ताना बाना बुना है? लगता है इससे मैं निकल ही नहीं पाऊंगी, ना तो किसी को कुछ बता सकती हूँ और ये बात अब छुपने वाली भी नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि ये बात ज्यादा दिनों तक छुपी रहेगी ही नहीं। इस बार तो मैंने पुलिस को यकीन दिला दिया कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन जिस तरीके की छानबीन चल रही है, जिस तरह ये मामला सामने आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि ये बहुत जल्दी सारा मामला खुल जाएगा। ओह गॉड, क्या करूं? मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मैंने तो अपनों के साथ भी धोखा किया है, उसका प्रायश्चित भी तो मुझे ही करना होगा ना। मैं तो किसी के जाल में फंसी तड़प रही थी, मैंने तृप्ति को भी उसी जाल में फंसा दिया। सच भी तो नहीं बोल सकती, आखिर क्या करूं? मैं शहर छोड़ के चली जाऊं, मैं आप सब कुछ साफ साफ बता दूं? ऐसी घटनाओं के बारे में मैंने सुना तो था कि लोग लड़कियों को मजबूर किया करते हैं, और इस मामले में भी
यही हुआ। हाँ काम्या, पहले निधि को मजबूर करके अपनी मुट्ठी में किया गया। रोहित पैसे के लालच में उस शख्स का साथ दे रहा था और फिर उसी के कहने पर निधि ने तृप्ति को भी उसके जाल में फंसा दिया। लेकिन इंस्पेक्टर, आपको यह लगता है कि सिर्फ इसी काम के लिए निधि और तृप्ति को जाल में फंसाया गया, उनकी फोटो खींचकर उन्हें मजबूर किया गया था? हाँ, क्योंकि इसके अलावा उसने निधि और तृप्ति से कोई काम नहीं लिया। पहले तो तृप्ति को मजबूर करके ये कहा गया कि वो नैनीताल में एक युवक को अपने प्यार के जाल में फंसाए जिसका नाम विकास है। इसके लिए उसे तृष्णा नाम से नैनीताल में रहने के लिए कहा गया। ओह, लेकिन शादी तो अनिकेत के साथ है, ये सब अनजाने में हुआ? नहीं श्वेता, ये भी उस साजिश का एक हिस्सा थी। पहले तो तृप्ति को विकास के साथ प्यार का खेल खेलने के लिए मजबूर किया गया और फिर उसे अनिकेत के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर, आखिर ये सब किस लिए किया गया? इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ये तो अच्छा हुआ। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति काम्या ने मुझे निधि और विकास के बारे में जानकारी दे दी। जिसके बिला पर मैं निधि और रोहित से सच्चाई उगलवाने में कामयाब रही। और सच्चाई तो ये थी कि नैनीताल में निधि ही तृप्ति के साथ थी पल्लवी बनकर। ठीक कह रही हूं ना मैं? हाँ काम्या, और अपनी छानबीन के बाद मेरे शक को और भी बल मिला है कि अर्चना की मौत के पीछे कहीं यही वजह तो नहीं, क्योंकि शायद ये पहले से ही तय था कि तृप्ति की शादी अनिकेत से होगी और अर्चना के जिंदा रहते तो ये मुमकिन नहीं। ठीक कहती हैं, लेकिन सच्चाई तक तो सिर्फ आप ही पहुंच सकती हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। अगर तृप्ति से अनिकेत की शादी कराने के लिए ही अर्चना को मारा गया था तो इसके पीछे मकसद क्या था, और भला किसी को अनिकेत की शादी तृप्ति से कराकर क्या फायदा होगा? इस रात से भी पर्दा उठेगा काम्या, जरूर उठेगा। क्योंकि साजिश चाहे किसी की भी हो, इस साजिश के तार अनिकेत के घर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अर्चना की मौत अनिकेत के घर में ही हुई और उस मौत को खुद खुशी साबित करने की साजिश भी। इंस्पेक्टर, मुझे कभी कभी अनिकेत पर भी शक होता है। मुझे लगता है आपको उससे भी पूछताछ करनी चाहिए कि वो तृप्ति को कब से जानता है। पता है, वो कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जिससे वो शक के दायरे में आ सकता है।
ये क्या कर रहे हैं जी आप? कहीं भेजना है? भेजना है। वो कहते हैं ना कि लौट कर बुद्धू घर को आए, इसे वापस इसी घर में आना है। लो जी, अगर इसे इसी घर में आना है तो भेजने का क्या फायदा? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, इस पर लिखा ना कॉन्फिडेंशियल टू विकास, यानी विकास ही खोले, लेकिन ये मिलेगा अनिकेत को और अनिकेत ही से खोलेगा। मेरी समझ में नहीं आया कुमुद, ये वो चिंगारी है जो अनिकेत के गुस्से को इस हद तक पहुंचाएगी ना कि वो बात वहां पहुंचेगी जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। ये चिंगारी उस पूरे परिवार की खुशी को जलाकर खाक कर देगी। आप ना इशारों में मुझे बताओ, सीधे सीधे बताओ कि क्या है ये खत। एक ऐसा तूफान लेकर आएगा जिससे दोनों भाइयों का प्यार तहस नहस हो जाएगा। कहते हैं कि चोट तभी करनी चाहिए जब लोहा गर्म, समझो लोहा गर्म है, वक्त आ गया। ओहो, तुम ना इंतजार तो करो, थोड़ा सा बता। मैं तो कुमुद तुमसे यही कह रहा हूँ, अरे इंतजार तो करो भाई, अरे इस घर के हालात बदलेंगे। मैं तो इस दुख से दुखी हूँ, जीजा जी की तबीयत खराब है और दोनों भाई पता नहीं एक दूसरे के बारे में क्या क्या सोचते हैं। जी जी, अरे कुमुद इंतजार करो, हालात बदलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या फिक्र, ये तो अच्छा है कि तुम दोनों यहाँ हो। तुम लोगों को देखकर दिल को तसल्ली मिलती है, वरना मैं तो अकेली हो गई थी। अरे जी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? हम तो आपकी हर दुख में, हर तकलीफ में हम आपके साथ हैं। आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं हम? तुम जीजी से बातें करो, मैं अभी आता हूँ। जीजी आप आइए ना, आइए आइए। जीजी आप ना चिंता मत करिए। हाँ, अब अनिकेत के दिमाग में क्या चल रहा है वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना। कुल की कुल की ज्योति कन्या। हेलो हेलो मिस्टर अनिकेत, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ बोलिए। कुछ सवालों के जवाब चाहिए मुझे आपसे। जी पूछिए। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप तृप्ति से कब मिले? पहली बार, मेरा मतलब है कि कितने दिन पहले? ये तकरीबन 6 महीने पहले। 6 महीने पहले? कहाँ कहाँ हुई थी ये मुलाकात? मेरा मतलब है अच्छी तरह सोच समझकर बताइएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपको तृप्ति के करीब लाने की साजिश रची हो? जी मैं उससे 6 महीने पहले एक रेस्टोरेंट में मिला था, और वो भी इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर एक टेबल बुक करवाया था एक बिजनेस डील के लिए, और तृप्ति वहां पर जबरदस्ती आकर बैठ गई। लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता कि तृप्ति ने ऐसा जबरदस्ती किया। उसके बाद कितनी बार आपकी मुलाकातें हुई? लगभग 3 या 4 मुलाकातें हुई, लेकिन वो भी एक हम लोग संजोग से मिले और बहुत कम वक्त के लिए मिले थे। क्या इन मुलाकातों में आपको कभी नहीं लगा कि तृप्ति आपके करीब आना चाहती? नहीं, तृप्ति मेरे बारे में नहीं सोच सकती थी क्योंकि वो मुझे नहीं जानती, और मैं भी उसके बारे में नहीं सोचता क्योंकि मैं शादीशुदा था और मेरी पत्नी जिंदा थी। इसी सवाल का जवाब तो मैं, एक लड़की आपसे 6 महीने पहले, के बाद आपकी 3-4 मुलाकातें होती हैं, ना आप उसके बारे में सोच सकते हैं ना वो आपके बारे में।
अगर फिर एक ऐसा हादसा होता है कि आप दोनों के बीच खड़ी दीवार को गिरा दिया जाता है। क्या? मेरा मतलब आपकी पत्नी अर्चना से है मिस्टर अनिकेत। उस दीवार के गिरने के बाद ही आप दोनों के रिश्ते की बात शुरू हुई। ये साजिश है मिस्टर अनिकेत, बहुत बड़ी साजिश। साजिश? किसकी साजिश? अगर ये साजिश है इंस्पेक्टर साहब, तो मैं उस इंसान से मिलना चाहूंगा। मेरे सामने लाइए उसका चेहरा। मैं भी उस इंसान से मिलना चाहूंगा जिसने मेरी हस्ती खेलती जिंदगी को उलझा के रख दी। कौन है? मैं खुद ही जानना चाहूंगा। आपके इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलेगा मिस्टर अनिकेत। बाय। इंस्पेक्टर, क्या कहा निकेत? ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे हम असली मुजरिम को बेनकाब कर सकें। अरे आप? आप नहीं, तुम। ओ हाँ, माँ बता रही थी कि तुम आने वाली हो। और आप फिर भी मुझे देखकर हैरान हो गए? हैरान नहीं हूँ, एक्चुअली बहुत खुश हूँ। माँ जी ने मुझे आने के लिए कहा और मैं आने के लिए तैयार हो गई। आपको पता है क्या? क्योंकि अब यह घर तुम्हारा भी है। अब यह घर मेरा भी है और इस घर की सारी परेशानियां भी मेरी हैं। हेलो, हाँ, आज की मीटिंग कैंसिल। अब आपको यहाँ से कोई नहीं उठाएगा। आप लोग आराम से बैठिए और अपना पास्ता एंजॉय कीजिए। बाय बाय। कुल की ज्योति कन्या। अब क्या सोच रही हो तुम? सोच रही हूँ कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रही थी, किसी गहरी नींद में सो रही थी। बस आँख खुली और सारे ख्वाब टूट गए। ये ख्वाब ही होता तो अच्छा था, कम से कम सिर्फ तुम्हारी आंखों में तो होता। तो ये ख्वाब ना जाने किस किस की आंखों में है। हाँ, सही कह रही हो तुम, लेकिन ये ख्वाब पूरे होने के लिए नहीं होते। ऐसे ख्वाब तो बस हमेशा आंसुओं के साथ बह जाते हैं। जिसकी आंखों में भी ऐसे ख्वाब सजेंगे, बस आंसुओं के साथ बह जाएंगे। मैं समझती हूँ तृप्ति, तुमने जो भी किया मजबूरी में किया, और ये तो अनिकेत की अच्छाई है कि तुम उसके करीब आने लगी थी। हाँ, अनिकेत के पास जाना, उसे शादी करना, उसे मेरी मजबूरी तो थी, अनिकेत की मुझे पता ही नहीं चला।
लेकिन ये मजबूरी का प्यार में बदल गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उसके इतने करीब आ गई। विकास के साथ तो मैंने मोहब्बत का नाटक किया था, लेकिन अनिकेत के साथ, अनिकेत से मैं सच में मोहब्बत करने लगी। बस यही कारण है कि मैं कितना भी चाहूं लेकिन अनिकेत को नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। हाँ तृप्ति, महसूस तो मैंने भी हर कदम पे यही किया था कि तुम उसके घर वालों के करीब आने लगी हो। इसलिए तो मैंने सोचा था कि मैं उस घर में बहू बन कर जाऊंगी। उस घर में जो भी साजिश चल रही है उस हर साजिश का पर्दाफाश कर दूंगी, लेकिन अब तो मैं खुद ही हार गई, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। होगा, जरूर होगा। और मैं तो सिर्फ इतना सोचती हूं कि शायद यही होना था, जहां साजिश का धुआं फैला हो वहां मोहब्बत की खुशबू नहीं बिखरती। और अगर अनिकेत से तुम्हें प्यार हो भी जाता तो उसका यही अंजाम होना था। मैं चाहती थी कि एक बार इस शहर से जाने से पहले, बस एक बार, काश मुझे पता चल जाता कि वो आदमी कौन है, इस साजिश के पीछे किसका हाथ है जिसने इस कदर मेरी जिंदगी को दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया। एक भवन में फंस, आया क्यों नहीं? आने का टाइम तो हो गया है, तो आ जाता है। राम जी, और कुछ? अच्छा, तो तृप्ति की मुझसे शादी करवाने के पीछे विकास का ये प्लान, ये सारी प्लानिंग विकास की हुई है ना? विकास, जैसा पेड़ होता है उसके फल भी वैसे ही होते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मामा।